नमस्कार, मैं मानसी सैनी और आप देख रहे हैं रूट की। हम आज मौजूद हैं आरसीई कॉलेज में, जहां पर कुछ स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट दिया गया है। तो आज हम बातचीत करने वाले हैं कुछ लोगों से जिन्होंने प्लेसमेंट किया है, मींस वैकेंसी इन द एचआर। तो आज हम जान लेते हैं किस तरीके से प्लेसमेंट और किस कंपनी से वो लोग आए हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिया है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आज यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिया गया है, उसको लेकर। मैं डायरेक्टर हूँ इस कॉलेज का, रूड़की कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का। और जो है हमारे कैंपस में जो है केपी रिलायबल, जो यहाँ से एचआर जो हैं उसके जो मिस्टर पंकज दुबे, मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे कैंपस के अंदर। ये आए अपना कीमती वक्त निकालते हुए हमारे बच्चों के लिए। और जो है सुबह लगभग 11 बजे से हमारे यहाँ प्लेसमेंट ड्राइव चल रही है, और उसमें हमारे जो है लगभग बीटेक और डिप्लोमा के 24-25 स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट भी किया है और जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। बाकी तो आगे तो एचआर साहब ही बताएंगे कि व्हाट दे हैव सेलेक्ट। फाइनल डिसीजन एचआर सर के द्वारा लिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो क्योंकि जो भी कंपनी आएगी वो उसके सुटेबल कैंडिडेट उनको मिलते हैं हमारे यहाँ से या नहीं मिल पाते, तो ये तो उन्हीं की क्योंकि रहती है रिक्वायरमेंट कि किस फील्ड में वे ढूंढ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हम अपने बच्चों में से कितने बच्चे प्लेस कर पाए हैं। ये फाइनल रिजल्ट तो जो है एचआर साहब ही बता पाएंगे। और मेरी तरफ से तो मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी बच्चे हों सारे के सारे प्लेसमेंट हो जाएं और उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करें। मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगी, कोरोना काल के बाद जैसे कि थोड़ा एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट है यहाँ की, तो अगर जैसा आपने अभी कहा है कि अगर सभी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हो जाता है तो एक प्लस पॉइंट है, लेकिन इज इट पॉसिबल? हाँ ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि देखिए कोविड के बाद हुआ ज़रूर यह है कि थोड़ा सा इंडस्ट्री में भी ब्रेक लगा था और एजुकेशन सेक्टर पर तो थोड़ा सा सेटबैक है ही है, परंतु कॉन्फिडेंस लेवल में हमारी पूरी इंडिया में जो है कॉन्फिडेंस लेवल में कहीं पर भी सेटबैक नहीं है। इंडस्ट्री भी, जैसे आज भी मैं बात कर रहा था एचआर साहब से, तो ये कह रहे थे कि इंडस्ट्रीज तो बहुत पहले से फर्स्ट फेज में ही सिर्फ लॉकडाउन में इफेक्ट हुई थी, सेकेंड फेज में नहीं हुई थी, तो वो तो रिवाइव कर गई हैं। अब बारी सिर्फ एजुकेशन सेक्टर की है। अब हमारा भी कॉलेज जो है 1st of September से स्टार्ट हो चुके हैं जैसे एज पर द गवर्नमेंट रूल्स, तो हमारे स्टूडेंट्स भी जो है बूस्टअप हैं और बढ़ रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे बच्चे अच्छी जगह प्लेस होंगे हमारे कॉलेज से। ओके थैंक यू सर। सो अब हम बात करेंगे एचआर सर से और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से यहां पर स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिया गया और क्या प्रोसीजर है। जी सर, ट्वेंटी फोर स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हैं एंड रिटर्न टेस्ट 24 बच्चों ने जितने थे सब ने निकाला एंड 21 बच्चे जो हैं मैंने सेलेक्ट किए हैं। कुछ बच्चों का मैंने 3.6 लाख में सिलेक्शन किया है, जो हमारे यहाँ मैक्सिमम है। सो क्या प्रोसीजर आपने फॉलो करते हुए यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिया? अच्छा, फर्स्ट प्री प्लेसमेंट टॉक के बाद मैंने रिटर्न टेस्ट लिया, रिटर्न टेस्ट के बाद जी डी के बाद PI पर्सनल इंटरव्यू। क्या कुछ कहना है आप कॉलेज कैंपस के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सो क्या कुछ एक्टिविटीज आपको रिजल्ट मिलता है स्टूडेंट्स के लिए? पार्डन ओके, आपने प्लेसमेंट दिया है तो मैं जानना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को प्लेस देखने के बाद उनकी सारी एक्टिविटीज़ और जिस तरीके की भी टेस्ट उन्होंने क्लियर किए हैं उससे आपको क्या रिजल्ट ये मिलता है? जो बच्चे हैं इस बार के, मेरे को बच्चे थोड़ा बेटर नज़र आए, बच्चे थोड़ा अच्छे हैं यहाँ के। जो मैंने बच्चे देखे अदर कॉलेज, अदर प्रोजेक्ट वर्क कम्प्लीट था बच्चों का प्रोजेक्ट वर्क कम्प्लीट था। ओके थैंक यू। सो अभी हम और ही सर से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे वो कैंपस के स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिया गया है, अराउंड 21 स्टूडेंट्स। बेसिकली माई सेल्फ डॉक्टर आदेश आर्या, आई एम डेप्यूटी डायरेक्टर हियर एंड बेसिकली वी स्टार्ट द फिनिशिंग क्लासेस फॉर द स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी करिकुलम। तो वी प्रिपेयर द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री। तो जैसे केपी रिलायबल हमारे कैंपस में आई है, तो जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमने बच्चों को तैयार करते हैं। कुछ कंपनी इससे पहले भी हमारे कैंपस में आई हैं, लाइक SCL कंपनी आई है और भी सर्विसेज कंपनी पाइपलाइन में है और बहुत कंपनी पाइपलाइन में, तो उसी के लिए हम लोग एक फिनिशिंग क्लासेस चलाते हैं बच्चों के लिए जो यूनिवर्सिटी करिकुलम से अलग है। तो उससे क्या होता है, जो हमारी इंडस्ट्री और एकेडमी गैप है उसको कम करते हैं और हमारे बच्चे तैयार हो जाते हैं और अच्छी इंडस्ट्री में प्लेस हो जाते हैं। थैंक यू सर। तो देखा आपने किस तरीके से आरसी कॉलेज में अराउंड 21 स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिया गया है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि कोरोना काल के बाद थर्ड कंपनी जो है जिसने यहाँ पर विजिट कर स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट किया है।
सो अभी हमारे साथ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिया है कंपनी ने, उनमें से कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं कि प्लेसमेंट लेने के बाद इनको कैसा फील हो रहा है और कैसा ये लोग आगे अपने फ्यूचर में और क्या करना चाहते हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी क्या कहेंगे? प्लेसमेंट के बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा फीलिंग, बहुत हैप्पी हो रहा है, सोचा भी नहीं था कि ऐसे होगा, पर बहुत अच्छा लग रहा है और इससे भी आगे हम लोग का जाना है। तो कितना टफ आपके लिए रहा था ये प्लेसमेंट, जो भी जितने भी आपको टास्क मिले थे उन्हें क्लियर करना? मतलब एक प्रोजेक्ट मिला था जो कि 10 दिन टाइम लगा उसको बनाने में, जो कि स्किल ट्रोरी नाम का एक प्रोजेक्ट था, उसे बनाने में 10 दिन। क्या कुछ सोचा आगे फ्यूचर? आगे मैम अभी तो ये शुरुआत है, पर इससे आगे बहुत कुछ करना है। अभी आपको क्या कहना चाहेंगे और अपने फ्यूचर के लिए क्या कुछ आपने? ये तो फिलहाल फ्रेशर्स में पहला ये इंटरव्यू दिए हैं और अच्छा लगा कि प्लेस हुए हैं, और आगे कोशिश करें, ट्राई करेंगे कि इसे अच्छा बेटर हो सके। ओके, आप क्या कहें? जैसे मैकेनिकल जो है वो हमारा पैसन है, इसलिए मैंने ये ब्रांच चूज किया था। ओके, तो जब मुझे प्लेसमेंट मिला तो बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब ऐसा मतलब लगा नहीं था कभी कि हम प्लेस हो पाएंगे। क्यों नहीं लगा था प्लेसमेंट? मतलब ऐसा मतलब प्रैक्टिस नहीं था अपने आप में, जब आगे प्रैक्टिस हुआ तो प्लेस होने के बाद बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत मतलब थैंक्स करना चाहेंगे कॉलेज का और चेयरमैन सर का भी, जो हमको ये अपॉर्चुनिटी दिए कॉलेज में रहकर, ऐसा मतलब शिक्षा दिए जो कि हम आज आके इंटरव्यू पास करके। आपका क्या कहना है प्लेसमेंट लेने? प्लेसमेंट लेने के बाद मतलब एक अलग से अच्छी फीलिंग आएगी, मतलब लगा नहीं था कि हम प्लेसमेंट ले लेंगे, नर्वसनेस थी। क्यों नहीं लगा था? आप लोग प्लेसमेंट ले लोगे, अपने अपने एफर्ट्स इतने नहीं किए थे या कोई और रीजन? फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये, इससे पहले अब तक हम गए नहीं थे, इसमें लग रहा नर्वसनेस थी कि कैसा होगा, पर जब हुआ उसके बाद जब दे दिया, जब सिलेक्ट हो गया तो अच्छा लग रहा है। क्या कहना है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि हम लोग इसमें सिलेक्ट हो गए, और मेरे गांव के लोग देखेंगे तो बोल रहे थे कि मतलब वो गया हो, मतलब ऐसे हाला हो रहा था कि फलाना का बेटा गया और फेल हो गया, ऐसे ऐसे बहुत अफवाहें फैल रही थी गांव में, अब ऐसे नहीं होगा। आपके भी कुछ पेरेंट्स आपको लेके थोड़ा सा डरे हुए होंगे कि हमारा बेटा हो जाएगा, जैसे अभी अपने कहा कि उसका बेटा ऐसे हो गया और फेल हो गया? नहीं, वो गांव वाले तो जो बोलते हैं तो वो तो सुनते हुए होंगे, लेकिन अब मैं जो बताऊंगा कि मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया हूँ, मेरा प्लेसमेंट हो गया है, तो बहुत एक्साइट होगी। क्या कुछ फ्यूचर? अभी तो खैर यही करना है जॉब, अभी उसके बाद आगे बीटेक भी करना है। आप रह गए, आपका क्या कहना है कि आप प्लेसमेंट लेने के बाद किस तरीके से, आप कैसा फील कर? बहुत बढ़िया फील कर रहा हूँ, मतलब ये हमारे लिए RCE कॉलेज बहुत बढ़िया, अच्छा से मतलब इसे भी तरीका से बहुत आगे तक लेकर जाएगी, मतलब ये तो हमारा पहला शुरुआत था, इसे भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट आएंगे, मतलब जॉब ऑफर आएंगे और हम लोग उसमें भी पार्टिसिपेट होंगे, इसमें तो हम निकल गए, बहुत अच्छा लगा। मतलब क्या कुछ फ्यूचर प्लान? क्या फ्यूचर प्लान? मतलब अभी जॉब करना है, उतने तो पापा के पास पैसा नहीं है, मतलब अपने से कमा कर और बहुत अच्छे से कमाएंगे और रखेंगे, और मतलब बीटेक भी करेंगे, और एमटेक तो होगा कि नहीं होगा वो तो बाद की बात है, मतलब बीटेक करेंगे। ओके, सो देखा आपने, सुना आपने स्टूडेंट्स के कुछ विचार थे कि उन्हें आगे अपने फ्यूचर में बहुत ज़्यादा और सक्सेस करनी है, ये उनका पहला पड़ाव है, और मैं सबसे पहले सारे स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी कि उनका प्लेसमेंट यहाँ पे हो चुका है, बहुत अच्छा लगा RCE कॉलेज में इतने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिल चुका है, आगे इनका फ्यूचर ब्राइट हो, और यही रहेगा कि हमारे इंडिया में जितने भी कॉलेजेस हैं सभी कॉलेज के स्टूडेंट इसी तरीके से सक्सेस करते रहे, अपने फ्यूचर को अच्छी तरह से बनाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आज प्लेसमेंट? Today's placement was very good. I think the HR team which had came here, it was very good team and they have selected I think 30 to 40 students. So that was that. What is your future? My future plan is like either a family business or going to Germany for MS in mechanical engineering. आपका क्या कुछ कहना? जो अच्छा लगा मुझे मैम, KP रिलायंस रिलायबल कंपनी आई थी, ठीक है मैम, तो अच्छा लगा बहुत, सब 20 मतलब 24 स्टूडेंट बैठे थे जिसमें कि 15 बीटेक वाले थे और 9 डिप्लोमा वाले थे, लगभग 21 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। आगे आप मैम, हम लोग अभी गेट की तैयारी कर रहे हैं, और भी आगे कंपनीज वगैरह आएंगी तो उस पर और प्रिपरेशन चल रहा है, तो 21 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है KP रिलायबल टेक्निक इंडिया में, तो अच्छा लग रहा है। ओके, सो अगेन सारे स्टूडेंट्स को दोबारा कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं चाहती हूँ कि जो हमारा यूथ है, हमारे इंडिया का फ्यूचर है, हर यूथ हर कंट्री का आने वाला फ्यूचर होता है, इसी तरीके से हमारे यूथ सक्सेस करता रहे, अपना फ्यूचर को ब्राइट बनाए। धन्यवाद।